वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव मशरूम में। दोस्तों आज अब हमारे यहाँ पेडी के तो काफी ज्यादा स्पान है, अभी क्या ठंडा का समय आ रहा है तो हम लोग ऑयस्टर का स्पान तैयार करने वाले हैं। तो मेरे कमेंट बॉक्स में कई कमेंट आया है कि गेहूं को कितना देरी तक उबालना चाहिए। मेरे काफी दर्शकों ने मुझे कमेंट किया था कि सर गेहूं को कितने देरी तक उबालना है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ गेहूं को कितने देरी तक उबालना है। जैसे हम कोई भी स्पान बनाते हैं तो उसका क्वालिटी डिपेंड करता है कि गेहूं किस तरह से उपचारित हुए हैं, उसे किस तरह से ट्रीट किया गया है, कैसे उबाला गया है, उसी के आधार पर उसमें माइसेलियम अच्छे से ग्रो करता है और हमारा स्पान बनकर तैयार होता है। जैसे ये हमने जो इसमें न्यूक्लेट किए हैं तो पूरे दाने दाने हैं और इसमें हमने अच्छे से इसको उबाला हुआ है जो काफी नरम है, और इसको इस तरह से उबालते हैं कि फटे ना बीच जो दाना रहता है, बाकी जो उसमें नमी अच्छे से बनी रहे, नरम हो काफी ज्यादा। तो चलिए हम उबाल रहे हैं गेहूं और उसको देखते हैं कि किस तरह से उबालना है। दोस्तों गेहूं उबालने के लिए हम लोग को इस तरह का पैन लेना पड़ता है, आप किसी भी आकार का ले सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से बड़ा पैन है और देख रहे हैं हमने नीचे गैस जला के रखा है। इसके अंदर हमने गेहूं लिया हुआ है, हमें लगभग ये उबालते हुए एक घंटा हो चुका है। अगर आपको खोल के मैं दिखाऊं इस तरह से हमारा गेहूं उबल चुका है, अब ये लास्ट फेज में है, लगभग ये तैयार होने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि गेहूं जब उबालते हैं तो पूरी तरह से उसको थोड़ा तो धीमी आंच में चलने देते हैं कुछ देर तक, ताकि वो अच्छे से नमी अब्जॉर्ब कर सके और क्या बोलते हैं उबल सके। तब तक उबालते हैं जब तक कि गेहूं नरम ना हो जाए। और नरम कब तक करना है, जैसे ऑयस्टर के लिए हम लोग थोड़ा कड़ापन रखते हैं क्योंकि ये काफी दिनों तक रहता है इसका जो स्पान जो ग्रोथ करना है उसको, और पेडी के लिए उतना ज्यादा कड़ा की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए थोड़ा नरम की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही हम उबालते हैं हमारा गेहूं उबल जाता है लगभग हो जाता है, तो सारे पानी को आंच बढ़ा के सुखा देते हैं। कहने का मतलब पूरा जितना इसमें जितने भी न्यूट्रिशन है इसी में एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन उसमें क्या है बताया था कि पानी को निकाल देना चाहिए, लेकिन उससे बेटर यह है कि उसको उसी में सुखा दिया जाए ताकि उसमें जितने न्यूट्रिशन है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जो कि हमारे बढ़ते हुए स्पान के लिए वो खाने का काम करे, मतलब माइसेलियम के लिए वो खाना का काम करे। तो ये रहा दोस्तों हमारा गेहूं। और रही बात कमेंट की कि इसमें बोले थे कितना देरी तक, उसका लिमिट नहीं है, आप एक घंटे से डेढ़ घंटे तक भी उबाल सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सांच पे कर रहे हैं और आपका गेहूं कितनी जल्दी तैयार हो रहा है और कितने बड़े बर्तन में ले रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको उबाल रहे हैं। और रही बात नमी की, तो थोड़ा ऑयस्टर के लिए थोड़ा ज्यादा कड़ा रखना पड़ता है और अपने पेडी के लिए थोड़ा ज्यादा नरम। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो कि गेहूं को कैसे उबाल। देख रहे होंगे हम इस गेहूं को चारों तरफ इस तरह से फैला रहे हैं, देख यूनिफॉर्म लेयर बना देंगे जिससे कि इसमें क्या नमी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, वरना कई जगह मोटा कर देने से वहां पे नमी ज्यादा रह जाती है। हाँ तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा गेहूं को फैला दिया है, अब हम इसको ओवरनाइट छोड़ते हैं, कहने का मतलब रात भर छोड़ देंगे। तो इसमें क्या जो एक्स्ट्रा नमी है जो वो चला जाएगा और इसके बाद हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फर जो भी डालना है डालेंगे। तो इस तरह से हम गेहूं को सुखाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मशरूम से संबंधित कुछ नई जानकारी लेके आएंगे, तब तक के लिए